हेलो एवरीवन, दिस इज जोया फ्रॉम जोयास कुकिंग विद फन। आज मैं लाई हूँ अनदर झटपट काइंड ऑफ मजेदार रेसिपी, जिसे कहते हैं फूटलेले अंड्याचा कालवण या एग ड्रॉप करी इंग्लिश में। चलिए बढ़ते हैं मेरे किचन की तरफ ताकि ये रेसिपी मैं आपको झटपट समझा। दोस्तों, मेरी एग करी बनाने के लिए पहले मैं ये तोड़ने वाली हूँ। ये नारियल देखिए, मेरा कोयता एकदम फिल्मी स्टाइल ना। ये मेरे नानी ने दिया हुआ कोयता है, गांव का, कोंकण साइड का। जबरदस्त, यही यूज करती हूँ मैं नारियल तोड़ने के लिए, परफेक्ट चीज है। और जैसे हॉरर मूवी में मिलते हैं चाकू, वैसे ही दिखते हैं। हाँ, जैसे हॉरर मूवी में देखे। फिसल रहा है, वो जा रहा है भाग के कि तोड़ो मत। ये ऐसे रोटेट करते रहना ताकि वो बराबर। वाह, देखिए मस्त एकदम वाइट। तो अभी क्या करूंगी मैं, इसको निकालूंगी छुरी की मदद से, यहां से आउटर कवरिंग से, और फिर इसके छोटे छोटे टुकड़े करूंगी। इसका नारियल का पानी मैंने निकाल लिया है, जिसको मैं छान के जुआन को देने वाली हूँ पीने के लिए, है ना जुआन? हाँ। मस्त मीठा होगा एकदम, क्योंकि नारियल बहुत ही मस्त है, कौला है। और इसी नारियल का मैं बनाने वाली हूँ एग करी का मसाला। ओके, मैंने देखिए नारियल ऐसे कट कर लिया है। ओके, आधा नारियल आधा मैंने रखा है, इतना पूरा मुझे नहीं चाहिए बिकॉज बहुत ज्यादा ग्रेवी हो जाएगी। हम तीन ही लोग हैं, उस हिसाब से हमें आधा नारियल काफी है। अगर आप ज्यादा लोग हैं, तीन से ज्यादा, पांच छह लोग हैं, तो पूरा नारियल ले लीजिए। दो छोटे अनियन ऐसे रफली मैंने स्लाइस कर लिए हैं। मैंने मेरे लास्ट वीडियोस में भी बताया था कि जब भी हम कोकोनट यूज करते हैं मसाला बनाने के लिए, तो पहले हमें कोकोनट को ग्राइंड करना है और फिर ही अनियन को साथ में डाल के, क्योंकि कोकोनट ग्राइंड होने के लिए टाइम लगता है। अगर आप पहले अनियन डाल देंगे तो वो फाइन ग्राइंड नहीं हो पाएगा। और देखिए, मैंने मेरा जो कोयता था इसको एक कपड़े पे रख दिया है ताकि ये, इसको मैंने धोया है तो ताकि ये अच्छे से सूख जाए। लोखंड का है, इस पे जंग बहुत जल्दी आ जाता है। अभी इसके बाद में, इसको यूज करने के बाद में, मैं इस पे एक्सक्यूज मी नारियल का तेल या कोई भी कुकिंग ऑयल लगा के इसको रख दूंगी ताकि इसको जंग ना लगे। ये आयरन का है, लोखंड का है इसीलिए। तो अब ये मैंने तवा गरम कर लिया है, उसके ऊपर मैंने डाल दिया ये नारियल। इसको मैं फ्राई करूंगी अच्छा 4 से 5 मिनट, जब तक ये ब्राउन ना हो जाए, ठीक है। और मैं ऐड करूंगी तेल भी, ऑयल भी, कुकिंग ऑयल। ये मेरे केतली का चम्मच है, लगभग एक टीस्पून, एक डेढ़ टीस्पून होगा, डेढ़ टीस्पून, 1.5 टीस्पून। तो मैं इसको अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 मिनट्स के लिए फ्राई करती हूँ, और इसको निकालने के बाद में प्लेट में फिर अनियन फ्राई करूंगी। अब जब ये फ्राई हो रहा है तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये डिश की खासियत क्या है। ये डिश में ना जाएगा अदरक, ये डिश में ना जाएगा लहसुन। सिंपल मसाले, मेरी रेसिपी सिंपल होती है, मेरी तरीका सिंपल होता है, ताकि ये कोई भी बना सकता है, बना सके अपने घर पे, और कोई भी बना के मस्त मजे से खाए। मेरी रेसिपी इतनी सिंपल तरीके से होती है, मुझे भी खुद एकदम सिंपल खाना पसंद है, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन पसंद नहीं कुकिंग के टाइम पर। और साथों साथ टेस्ट भी बहुत अच्छा होना चाहिए, जो भी खाओ अच्छा खाओ, टेस्टी खाओ, है ना। ये मैं नाना बनाते थे, पता है 90% ऑफ द वुमेन जो हमारे घर में है, 90% 90% जैसे सलमान बोलता है 90% भारतीय, तो वो है 90% हमारे घर के जो लेडीज सदस्य है, उनको खाना बनाने का सिखाने का काम मेरे नाना ने किया है, पता है। और मैं मेरे नाना से ही सीखी हूँ खाना पकाना, कटिंग करना। तो देखिए, सिर्फ ओनली विमेन कैन नॉट कुक, इवन जेंट्स, कितने अपने इंडिया में ही कितने जेंट्स शेफ है, कितना मस्त खाना बनाते हैं। तो इसको अच्छी तरह 4 से 5 मिनट तक मैं फ्राई करती हूँ।
तो दोस्तों देखिए ब्राउन हो गए ना, तो अभी मैंने गैस लो किया ऑलरेडी, ये मैं निकालूंगी प्लेट में और फिर मैं अनियंस को करूंगी फ्राई अगेन फॉर अनदर गुड 4-5 मिनट्स। गांव में नारियल को ऐसे स्लाइस नहीं किया जाता, गांव का एक अलग ग्रेटर होता है जिसको मराठी में बीड़ी बोलते हैं। बीड़ी जो मराठी दोस्त होंगे मेरे व्यूअर्स होंगे उनको पता होगा बीड़ी किसको बोलते हैं, तो वो बीड़ी की मदद से कोकोनट को ग्रेट किया जाता है। अच्छा इसको फ्राई करने वाली हूँ 4-5 मिनट तक। व्यूअर्स आप मेरे वीडियोस जो देख रहे हैं, अगर आपको पसंद आ रहे मेरे वीडियोस प्लीज इसे शेयर भी कीजिए आप, बिकॉज आप तो सीखेंगे ही साथ में, आप जैसे ऐसे कितने लोग होंगे जिनको ये सारी रेसिपीज ट्राई करने का मन होगा या शायद वो आगे जाके ट्राई करें, तो अगर आप ये उनको भेज देंगे तो आपके भेजने के वजह से वो भी ये सीख पाएंगे और साथ ही साथ मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा क्योंकि मेरे वीडियोज शेयर हो पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच करेंगे। अच्छे से फ्राई करो इसको, मैंने और तेल नहीं डाला है, देखिए ऐसे ही मैं इसको वही तेल में फ्राई कर रही हूँ। तो देखिए दोस्तों अनियंस अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, हाँ रोस्ट हो चुके हैं अप्रोक्सीमेटली 4-5 मिनट्स और फास्ट गैस, हाँ फास्ट गैस पे मैंने इसको रोस्ट कर दिया है। साइमल्टेनियसली मैंने क्या किया था पता है, ये कोकोनट को फैन के नीचे ड्राई होने मतलब ठंडा होने रखा था, क्योंकि कोई भी मसाला जब गर्म है तो उसको मिक्सर में पीसिएगा मत, बिकॉज आपके जो मिक्सर का ब्लेड है वो खराब हो जाएगा जल्दी, ठीक है। सो ये कोकोनट पहले मैं पीसती हूँ और फिर उसमें अनियंस ये ठंडे होने के बाद में ऐड करके पीस के उसका एक फाइन पेस्ट बना के आपसे मिलती हूँ आगे की हमारी फोड़लेल्या अंडे चा कालवण, मतलब फूटे हुए अंडे का कालवण कैसे बनाते हैं वो सीखने के लिए। और एक मैं चीज बताना चाहती हूँ आपको, ये नारियल के आउटर कवरिंग है जो मैं रखती हूँ और क्या करती हूँ पता है, थोड़ा धूप में इसे सुखा देती हूँ और फिर मच्छर जब होते हैं ना घर में, तो मच्छर जब होते हैं तब मैं ये जला लेती हूँ और इसका जब धूर होता है धुआं होता है उससे मच्छर छूमंतर हो जाते हैं, ऐसे 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 भाग जाते हैं। ओके तो नेचुरल चीजें हैं गाइस, नेचुरल चीजों का अच्छा यूज करना बहुत अच्छी बात होती है जिससे पॉल्यूशन भी नहीं होता ज्यादा, है ना। तो मिलती हूँ मैं आपसे ये मसाला पीस कर। तो दोस्तों ये पैन नहीं है, हंडी टाइप कुछ है बर्तन, ये हंडी है जिसके अंदर मैं बनाने वाली हूँ मेरा एक करी। ओके मसाला भी पीस कर हो गया है रेडी, बताती हूँ आपको एकदम फाइन पेस्ट। अब ये जैसे हंडी गरम हो गई है इसके अंदर मैं डालूंगी 3-4 टीस्पून ऑफ ऑयल। देखिए मैं हाथ पे ही कट कर रही हूँ अनियन और इसको डाल दूंगी ऑयल के अंदर। रफली चॉप करके तो दोस्तों ये अनियन अच्छे से फ्राई हो गया है, हाफ अनियन था ये छोटा, इस टाइम पे डालूंगी मैं मेरे मसाले के डब्बे से ये सूखे मसाले, लाल मिर्च पाउडर, एक
बड़ा चम्मच और आधा, हल्दी पाउडर आधे से थोड़ा ज्यादा, गरम मसाला आधे से थोड़ा ज्यादा और एक चम्मच भर के धनिया पाउडर। इसके अंदर मैं जीरा पाउडर नहीं डालूंगी, ये डिश में जीरा पाउडर नहीं डालते। और तुरंत ही मैं डालूंगी मेरा पिसा हुआ मसाला। पिसे हुए मसाले को डालने के बाद में इसे डालने के बाद मैं डाल दूंगी नमक। अब जैसे मैंने कहा था मेरे पहले वीडियोस में, मुझे हाथों से नमक डालना पसंद है, तो अपने अपने स्वाद के हिसाब से नमक आप ऐड कीजिए, जितना आपको नमकीन पसंद है। मसाले को मुझे तकरीबन 5 से 7 मिनट तक फास्ट गैस पे अच्छे से भूनना है। सारे सूखे मसाले, पिसा हुआ मसाला सब इनकॉर्पोरेट हो जाने चाहिए, अच्छे से घुल मिल जाने चाहिए। ठीक है, तब तक मैं मिक्सर का बर्तन भी अच्छे से पानी भरकर उसके अंदर का जो मसाला लगा हुआ है उसको भी, उसका पानी भी रेडी रखती हूँ, ताकि मैं ग्रेवी बढ़ाने के लिए वही पानी यूज करूँ। तो दोस्तों, अच्छा मसाला अच्छे से भुने गया है, देखिए सारे सूखे मसाले अच्छे से घुल मिल गए हैं इसके अंदर। मैं डाल रही हूँ वही मिक्सर के बर्तन में भरा हुआ पानी, एक बड़ा गिलास भरकर पानी चाहिए मैं, और एक गिलास पानी डालने वाली हूँ। फिर जैसे हम इसमें अंडे डालेंगे फोड़ कर, तो वो भी इस ग्रेवी की कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक कर देगा, बिकॉज हम अंडे बॉईल करके नहीं, इनफैक्ट ऐसे ही फोड़कर डायरेक्ट डालने वाले हैं इसमें। गया और एक ग्लास पानी। इसको हम करेंगे अच्छे से बॉईल, और जब ये बॉईल हो जाएगा तभी हमें अंडे डालने हैं। ओके, इसको गरम होना बहुत ज्यादा अच्छा है, मतलब राइट टाइम है इसका कि मैं इसके अंदर अंडे फोड़कर डालूं। अभी डालूंगी ना तो कुछ मतलब नहीं होगा, सब ऐसे फैल जाएंगे। जब ये गरम होगा तब वो एक ग्रेवी के अंदर एक जगह होल्ड करके बैठ जाएंगे अंडे। इसको होने दीजिए बॉईल अच्छे से, 7-8 मिनट अच्छे से बॉईल होने दीजिए, और फिर हम इसमें डालेंगे अंडे। तो देखिए दोस्तों, ग्रेवी हो रही है अच्छे से बॉईल। मैं गैस को करूंगी अभी स्लो, और फिर ये एग को इस तरह ब्रेक करके इसके अंदर डाल दूंगी। सो ऐसे सब जगह, मतलब जगह के हिसाब से मुझे सब जगह फैला के एग्स को डालना है। इस ग्रेवी में मैं यूज कर रही हूँ 6 एग्स। आपके घर में ज्यादा लोग हैं, या आप ज्यादा एग खाना पसंद करते हैं, आपको एग कम डालना है तो एग कम डालिए। ऐसे सब जगह फैला कर मैं डाल रही हूँ। मेक श्योर जब आप एग्स डाल रहे हैं तब गैस लो ही रहे। ओके, अब यहाँ पे जहाँ पे भी जगह खाली हो वहाँ पे आप ऐसे फैला के डाल दीजिए। 4 एग्स डाल दिए मैंने, ये मेरा 5th एग है, यहाँ डाल देती हूँ, और ये है नंबर 6। ओके, ये गया अंदर। अरे अब मैंने सारे एग्स डाल दिए, ज्यादा कुछ करना नहीं है, इसको मुझे पकाना है विदाउट स्टरिंग। डोंट स्टर द ग्रेवी, इसको घुमाना नहीं चम्मच वगैरह कुछ भी, थोड़ी देर के लिए। ठीक है, मैं लगाऊंगी इसके ऊपर ये लिड। अब मैं ढक्कन नहीं बोलूंगी, मेरे हस्बैंड ने बोला है प्लीज ये वर्ड का इस्तेमाल मत करो। कैसे है ना दोस्तों, ये हमारी बम्बैया लैंग्वेज है, ढक्कन बोले तो ये ढक्कन, अभी पता नहीं, पर मेरे हस्बैंड बोलते हैं ये ढक्कन मत यूज करो, बहुत ज्यादा ओवर एलैबोरेटेड रखता है। तो ठीक है, मैंने लगा दिया है ये लिड अपने एग करी के बर्तन पर। इसको मैं रख रही हूँ
फास्ट गैस पर ही अप्रोक्सीमेटली फॉर 5 मिनट्स, और उसके बाद में ही मैं चम्मच से उसको हिलाऊंगी। तब तक के जहां पे एग्स है उसको वही रहना चाहिए ताकि वो पक जाए। ओके तो दोस्तों मैं अभी खोलने जा रही हूँ ये हांडी का ढक्कन, ओ आई एम सॉरी ढक्कन नहीं लिड। पहले गैस लो कर देती हूँ। वाह देखिए ना कैसे उसके अंदर एग्स पक कर फैंटास्टिकली रेडी हो गए हैं, है ना। इसकी गार्निशिंग बहुत ज़रूरी है। इसके अंदर मैं डालूंगी हरा धनिया। वाह वाह क्या फैंटास्टिक दिख रहा है, देखिए खाने में भी इतना ज़बरदस्त होता है। लेस टू लेस मसाला एंड मोर टेस्ट। देखिए अंडा पक चुका है ऐसा दिखेगा। देखिए अब मैं एक एक जगह से जहां जहां मैंने एग्स डाले थे उसको फ्री कर रही हूँ। देखिए सो ये रही मेरे फोड़लेल्या अंड्याची कालवण की रेसिपी, माय स्टाइल ऑफ एग करी। ये रेसिपी आपको कैसी लगी आप मुझे बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ये वीडियो आपको पसंद आया तो बेशक लाइक कीजिए, और अपने प्यारे दोस्तों को फैमिली मेंबर्स को ये वीडियो शेयर करना भूलिएगा मत। मैं आपसे फिर मिलूंगी अगले रेसिपी में। तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, टाटा।